এটা কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসেস। जय बेटा, तुम तो बात क्यों कर रहे हो मेरे क्लास में? कितने बार कहा है बात नहीं करने का ना? गेट आउट ऑफ माय क्लास। ये ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में ये भी नहीं बोल सकते और तुम लोग को, तुम लोग बस बिगड़ ही रहे हो। हमारे टाइम पे तो हमको तो मेरे टाइम पे कितनी अच्छी स्टूडेंट थी। मैं मेरी टीचर जाता तो मेरे बारे में कंप्लेन ही नहीं आने देती थी। और तुम लोग? मैम प्लीज ये लास्ट पार्ट से पढ़ा दो मैम प्लीज। हाँ बेटा रुको, मैं ये बात आगे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में तुम लोग को पढ़ाना चालू करती हूँ, रुको। अच्छा तो बेटा कितना टाइम बाकी है लेक्चर के लिए? मैम 2 मिनट। 2 मिनट? अरे ठीक है, चलेगा चलेगा, कुछ नहीं। ये वाला चैप्टर वैसे भी बहुत इजी था तो तुम लोग इसे सेल्फ स्टडी में कर देना। कुछ थोड़े से ही पेज बाकी थे, कुछ 4-5 पेज बाकी थे, वो तुम लोग घर पे कर देना सेल्फ स्टडी के लिए। बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम कल फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब आ गए है क्या? नहीं मैम, सब नहीं आए। अच्छा, वी विल वेट फॉर देम एंड देन वी विल स्टार्ट द लेक्चर। ओके मैम, डू आई हैव टू कीप माई कैमरा ऑन? नो बच्चा, इट्स ओके इफ यू कीप द कैमरा ऑफ। मुझे पता है सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं ना कैमरा ऑन रख के, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन कीप द कैमरा ऑफ। वी विल स्टार्ट द लेक्चर नाउ। देयर आर मेनी फूड चेन्स इन आवर एनवायरनमेंट। आज हम लोग का ये चैप्टर अभी खत्म हो गया है एक्सप्लेन करके, सो आई विल स्टार्ट, आई विल आस्क यू सम लिटिल बिट क्वेश्चंस नाउ। सो द क्वेश्चन इज, इट्स अ ट्रू एंड फॉल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ओके सो रिया, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर दिस क्वेश्चन? रिया, आई थिंक उसको उसको सुनाई नहीं दे रहा है, मे बी उसका वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम होगा। नेवर माइंड, वील आस्क जय देन। ओके जय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चन। मैम द आंसर इज फॉल्स। जय बेटा, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्रू नॉट फॉल्स, बट नेवर माइंड, एटलीस्ट यू ट्राइड। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आई होप तुम लोग सब लोग को समझ में आए ये चैप्टर। बट अगर कुछ भी डाउट हुआ कभी भी, प्लीज इन्फॉर्म मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो वी आर कम्प्लीटली डन विद आवर पोर्शन, सो आई होप आप लोग सब लोग एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो। आई एम श्योर मेरे सारे बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छे करने वाले, अच्छे से पास हो जाने वाले हैं। मुझे सब पे विश्वास है कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे एग्जाम देंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यूल टू कीप योर कैमराज ऑन, नन ऑफ यूल शुड कीप इट ऑफ। No unmuting yourself unless and until I tell you all to unmute. Every questions will be answered only if you all raise your hand. And as I always say, there should be pin drop silence in my class. No talking to anyone. Riya? Yes ma'am. Why are you not wearing your school uniform? I know it's not compulsory, but in my class you have to wear your uniform. You have to be properly dressed. Okay ma'am. Also sit properly. Sit straight in my class. If you all have got all the instructions, now I would like to start the class. Living and non-living things are dependent on each other. So whatever homework I gave for today's class should be completed by tomorrow morning. No excuses will be tolerated. So make sure you complete them all. मैम किधर है? मैम कैमरा ऑन करके रखी है पर मैम दिख नहीं रही है। मैम है कि नहीं? मैम सब आ गए क्लास में। अच्छा आरती बेटी है, अटेंडेंस ले लो सब बच्चे लोगों का। ओके मैम। तो मैंने कल क्या पढ़ाया था? दे
ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस द स्किन ऑफ एनिमल ही किल आफ्टर ही लर्न he began to see the progress in the picture given below. अरे बच्चों प्लीज रीड. मैं रीडिंग का टेस्ट ले रही हूँ अभी. रैंडम रोल नंबर बोलूंगी आप लोगों को रीड करना है. अच्छा तो रोल नंबर 12 प्लीज रीड. यस मैम. ठीक है चलो कर दो रीड. यस मैम आई विल रीड. टुडे आवर कंट्री इज सेल्फ वेरी गुड. हाँ बस रुकते अभी. रोल नंबर 15 प्लीज रीड. ओके मैम मैं रीड करती हूँ. ठीक है रीड रीड रीड. बस बस बेटा बस. ओके रोल नंबर 85 रीड. रोल नंबर 85 ऐसे करके तो कोई रोल नंबर ही नहीं है. मैम सो गई. गुड मॉर्निंग क्लास. गुड मॉर्निंग मैम. मैम आप दिख नहीं रही हो ठीक से. आपका आधा ही फेस आ रहा है. क्या मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? किधर मैं बैठी तो हूँ कैमरा के सामने. कैमरा के सामने ही बैठी हूँ. मुझे तो सब लोग दिख रहे हो. मैम आप दिख ही नहीं रही हो. मैं नहीं दिख रही हूँ. अच्छा रुको मुझे ये कैमरा को थोड़ा ठीक करने दो. रुको क्या क्या करना पड़ता है आजकल हम टीचर्स को. हाँ अभी ठीक है. अरे मैम अब तो आपका आवाज नहीं आ रहा है. मैम सुनाई नहीं दे रहा है. क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. मैम आपने म्यूट कर दिया लगता है. दिस प्रोग्राम फार्मर्स आर गिवन प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज खरीफ सीजन. अरे सुनती हो? ये टॉयलेट से पानी क्यों नहीं आ रहा है? द क्रॉप आर. सुनती हो? एक मिनट. हाँ बच्चा एक मिनट म्यूट करते हैं. एक मिनट म्यूट. अरे क्या है टॉयलेट में पानी है? जल्दी देखो तो अच्छे से. खामा खा दिमाग खराब करते थे. पता नहीं मैं लेक्चर में बैठी हूँ बस परेशान करने को आता है. अच्छा तो मैं अनम्यूट कर देती हूँ. मैम लगता है मैम ने अनम्यूट करने के जगह क्लास ही लीव कर दिया है. मतलब क्लास खत्म लेक्चर खत्म. तो मैं अभी अटेंडेंस चालू कर रही हूँ. तुम लोग अपना प्रेजेंट बोलना. अगर किसी ने प्रेजेंट नहीं बोला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एब्सेंट हो जाएगा. मैं वापस नहीं अटेंडेंस लेने वाली हूँ. यही लास्ट है. रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम. रोल नंबर 5 प्रेजेंट मैम. रोल नंबर 6 रोल नंबर 6 प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. रिया तुम आज लेट क्यों हो? वो एक्चुअली मैम वाईफाई नहीं चल रहा था. तुम्हें पता है ना मुझे लेट आना पसंद नहीं. अभी मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाली हूँ और कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा. मैं तुम लोग को 2 घंटे एक्स्ट्रा बिठा के रखूंगी जस्ट बिकॉज एक जन लेट आया है. तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम कोई ना लेट हो. क्योंकि अगर जितने लोग बच्चे लेट होंगे उतना 1 आवर में ऐड कर दूंगी. चलो फिर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई करवाना. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम. दैट्स व्हाई हाउसेस आर बीइंग बिल्ट इन लार्ज नंबर. अच्छा तो ये मेरा हो गया चैप्टर. अब मैं रैंडम रोल नंबर्स लेने वाली हूँ और मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. एंड यू ऑल हैव टू आंसर. नहीं बोलने से नहीं चलेगा. कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा. और मेक श्योर इट इज करेक्ट आंसर. ठीक है तो रोल नंबर 13 तुम लोग को मैं क्वेश्चन पूछती हूँ. देयर इज अ बैन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस. ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर बताओ. बताना ही पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है. आंसर इज ट्रू. गुड. रोल नंबर 20 वी कैन नॉट लिव अ होलसम लाइफ इफ वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. ट्रू और फॉल्स? मैम जल्दी बताओ.
इट्स फॉल्स फॉल्स, ये आंसर गलत है. मुझे तो पता ही था, मुझे तो लगता भी नहीं है कि तुम लोग ये एग्जाम में पास हो भी पाओगे. मैं तो तुम लोग का एग्जाम का पेपर इतना खराब चेक करने वाली हूँ, इतना खराब चेक करने वाली हूँ कि आई विल मेक श्योर कि तुम लोग सब लोग फेल हो. तुम लोग आजकल मुझे बहुत लाइटली लेने लगे हो ना. तुम लोग को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम है तो मैं तुम लोग को फेल नहीं कर पाऊंगी, पर लेट मी टेल यू ऑल, ये तुम लोग की गलत फैमिली है. मैं तो तुम सबको चुन चुन के फेल करने वाली हूँ. और हाफ मार्क्स तो क्या, मैं तुम लोग को ग्रेस मार्क्स भी नहीं देने वाली हूँ. दूसरे टीचर्स का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम लोग का पेपर इतना खराब चेक करूंगी, इतना खराब चेक करूंगी कि तुम लोग किधर से फेल हो गए तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा. बाद में मेरे पास मत आना ये बताते हुए कि मैंने वॉर्न नहीं किया था. इसलिए बेटर होगा कि तुम लोग मेरा पेपर अच्छे से पढ़ ही लो, क्योंकि मैं तो बहुत हार्ड चेक करने वाली हूँ. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई वर्क वेरी हार्ड टू मेक सच कंटेंट्स एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इट विल मीन अ लॉट टू मी. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से दैट आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वन. आई अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ ऑल द टीचर्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, हैव अ वंडरफुल डे.